हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुधाकर कुमार यादव आपकी बायो की क्लास ले रहा था। तो हम क्लास 11 की चीज़ों को स्टडी कर रहे थे और थर्ड यूनिट थी जो थी सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट पार्ट है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी, कब की थी, वो हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पे अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ से जाके हमारी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सेल को डिफाइन करेंगे कि सेल का मतलब क्या है, और सेल को देखते हुए कई साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरियाज दी थी। हम उन्हें भी देखेंगे कि हाँ क्या थ्योरियाज थी और किन्होंने दी थी। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। चले सर, द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली चैप्टर से ही कई सारी जो सेल क्या है वो क्लियर हो जा रही है। लिखा है सेल मतलब कोशिकाएं, द यूनिट ऑफ लाइफ हमारे जीवन की इकाई। क्यों इकाई कहा गया है, किस लिए कहा गया, कब कहा गया, अब चलिए अब हम इस पे आते हैं। बेसिकली सेल, आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज सेल, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। व्हाट इज सेल, सेल क्या है। बेसिकली पहले मैं इसकी जरा सा डेफिनेशन लिख दूँ। हाँ, डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन जब आप सबसे पहले सेल से इंट्रोड्यूस हुए होंगे क्लास 6 या 7 में, तो बेसिकली जो डेफिनेशन तब थी वो आज भी है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन उनमें नहीं किया गया है। चलिए तो जो हमारी डेफिनेशन है हम उसे देख लेते हैं। कहा गया है सेल is the fundamental structural and functional unit of our life। चलिए ये तो हमारी डेफिनेशन है। सेल जो कोशिकाएं हैं वो हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कहने का मतलब अगर हम इसे हिंदी में डिफाइन करें तो कह रहा है कि जो कोशिकाएं हैं वो हमें एक आकार प्रोवाइड कराती हैं, एक आकार देती हैं, एक पर्टिकुलर शेप देती हैं, और हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ये प्रोसेस में करती हैं, प्रोसीड करती हैं। यही हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सब उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से होता है। हमारी जितनी सेलें फंक्शन करती हैं उसी का रिजल्ट हमारी बॉडी करती है। जैसे अगर हमारी कई सारे सेल मिलके डाइजेशन का काम कर रही है हमारे स्टमक में, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो रहा है, काम कर रहा है बेसिकली। तो जो जो डेफिनेशन है हमें इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमारा फंक्शन, हमारा स्ट्रक्चर और यूनिट, यहीं से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। कि क्यों इसे यूनिट ऑफ कहा गया, क्यों इसे कहा गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आइए जरा हम इसे एग्जांपल से लेके चलते हैं हल्का सा।
चलिए, ये हमारे डिस्प्ले पे जो फिगर नज़र आ रहा है इसमें ये दिखाया गया है कि बेसिकली कि हमारी बॉडी कैसे फॉर्म हुई कई सारे स्टेप्स से, और इसी को कोरिलेट करके एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमें हाउस बनाना है तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी, और अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है या फिर बेसिस क्या है। चलिए, तो इसमें ये दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल बनी, ठीक है, जब इस सेल का एक मास बना तो हमारा टिश्यू तैयार हो गया। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये स्टेप नंबर हमारा सेकंड। अब इसी को हम कोरिलेट करके यहाँ पे तो बच्चों के जो खिलौने हैं उनके बारे में बताया गया, लेकिन हम जरा सा मॉडिफाई करके बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें एक हाउस प्रिपेयर करना है तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होगी वो होगी ब्रिक्स, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, और इसका स्टेप नंबर सेकंड। जब ये सारी की सारी जो सेल हैं आपस में कंबाइन हुई तो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जब ब्रिक्स को हमने एक अरेंज से रख दिया तो हमारी वॉल्स तैयार हो गए, स्टेप नंबर सेकंड इसका भी है। आ जाते हैं स्टेप नंबर थ्री, जब ये सारे टिश्यूज आपस में मिले तो हमारा एक ऑर्गन तैयार हो गया, कोई भी ऑर्गन, मान लीजिए किडनी, हार्ट, लीवर, जो भी है, हमारा एक ऑर्गन तैयार हुआ, ठीक है। चल स्टेप नंबर थ्री, अब बेसिकली जब यहाँ पे इनका जो थर्ड नंबर स्टेप है कि जब हमने वॉल को, हमने कई सारे वॉल को एक अरेंज में रख के ऊपर से छत लगा दी तो हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है, वो जो थर्ड स्टेप है वो पर्टिकुलर कमरे बन गए हैं, मतलब किचन, बाथरूम, बेडरूम, ठीक है। चलिए, अब जब हमारे सारे के सारे ऑर्गन एक साथ काम करने लगे, हमारे बॉडी में जो फंक्शन है उसे प्रोसीड करने लगे, मान लीजिए यहाँ पे जो फिगर नॉर्मली शो किया गया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब देखिएगा कौन कौन से ऑर्गन है, मान लीजिए यहाँ माउथ है, ठीक है, यहाँ ओइसोफेगस है, इसके बाद स्टमक आ गया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। कहने का मतलब ये है कि ये कई सारे ऑर्गन मिलके सिर्फ एक फंक्शन को कर रहे हैं, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये जब सारे के सारे ऑर्गन कंबाइन होके किसी पर्टिकुलर वर्क को अंजाम देते हैं तो वहीं पे हम सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसी मामले में नहीं, हर मामले में, मान लीजिए अगर हम स्कूल की बात कर लेते हैं तो स्कूल में क्या एक सिस्टम है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, प्यून्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर, इन सब का काम सिर्फ एक है, टीचिंग करना, बच्चों को ज्ञान देना, शिक्षा देनी। सेम उसी तरह हमारे जब पर्टिकुलर ऑर्गन एक साथ मिलके किसी सिस्टम के तरह वर्क करते हैं जो कि सिर्फ एक काम को प्रोसीड करते हैं तो वहीं से हमारा ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। अब जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ पूरा मिल जाते हैं तो वहीं हम नाम चेंज कर देते हैं और हम कह देते हैं कि हमारी एक पूरी बॉडी या फिर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म एक तैयार हो गया, क्लियर है। ठीक इसी तरह जब इसमें हमने कई सारे रूम्स बना दिए, नंबर थर्ड पे था, और हमने फोर्थ स्टेप पे ला के हमने ये देख लिया कि अब हम हर एक कमरे में ही सारा काम नहीं कर सकते हैं, अब हमने पर्टिकुलरली सिस्टम को बांट दिया है, हमें सोना होगा हम बेडरूम का इस्तेमाल करेंगे, हमें नहाना होगा हम बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे, हमें टीवी देखनी होगी हम हॉल का इस्तेमाल करेंगे, डाइनिंग रूम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अब हम पर्टिकुलर काम करने के लिए एक अलग से हमने सिस्टम तैयार कर लिया है कि हम वहीं करेंगे। ठीक इसी तरह जैसे ये हमारा ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो रहा है, और जो फाइनल और फोर्थ स्टेप है वो हमारा पूरा हाउस तैयार हो गया और ये हमारी पूरी बॉडी तैयार हो गई। बेसिकली यही कारण है कि हमें जो हमारी यूनिट है वो यही है कि सेल, क्योंकि इसी एक यूनिट से मिलके टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, हमारी पूरी होल बॉडी तैयार हो गए, क्लियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो जीवन की इकाई है वो कोशिका है।
अब इसके बाद ये भी कहा गया है कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, बता देते हैं वो भी। मान लीजिए हमने एक माइक्रोस्कोप लिया और हमने उसमें किसी सेल को देखा। मान लीजिए सबसे सिंपल सेल ले लेते हैं, सिंगल सेल एनिमल। सिंगल सेल एनिमल उसे कहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल पाई जाती है और उसी में वो सारे अपने फंक्शन करता है। तो मान लीजिए हमने माइक्रोस्कोप उठाया और हमने एक सिंगल सेल देखी, हम ले लेते हैं अमीबा ले लेते हैं, क्योंकि अमीबा बनाना काफ़ी आसान होता है। अमीबा, चलिए बेसिकली ये हमारा अमीबा है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे साइटोप्लाज्म है, ये हमारे सीडोपोडिया हैं। चलिए अब अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ आकार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसीलिए इनके आकार को देखते हुए हमने ये कहा है डेफिनेशन के कि सेल हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और रही बात फंक्शन की, तो बेसिकली हम लोग तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ये भले से सिंगल सेल एनिमल है लेकिन जितने भी फंक्शन हम करते हैं ये सारे के सारे फंक्शन ये भी करेगा। डिफरेंट यही है कि ये सिंगल सेल में कर रहा है और हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पर्टिकुलर चीज के लिए हर एक सिस्टम बना दिया गया है और ये सारी की सारी चीज़ें इस सिंगल सेल में ही करने वाला है। चलिए ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप एनिमल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप एनिमल उसे कहते हैं जो कि 5 स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो मतलब ये सारे 5 स्टेप पाए जाते हैं। तो उसी तरह देखते हुए ये जो न्यूट्रिशन लेने के जो तरीके हमारे जैसा ही है, डिफरेंट बस यही है कि सिंगल है, हम मल्टी। चलो तो ये अपने इसी पर्टिकुलर सेल में एक्सक्रीशन भी करेगा, अपने फूड को डाइजेस्ट भी करेगा, मतलब डाइजेशन का भी काम कर रहा है इसी सिंगल सेल से, ये रिस्पायरेशन का भी काम करेगा। मतलब जो सारे के सारे फंक्शन हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वो सारा का सारा ये करेगा। डिफरेंस यही है कि ये सिंगल सेल एनिमल है और हम मल्टी सेलर। यही कारण है कि सेल को कहा गया है कि वो हमारे बॉडी की या फिर हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्लियर हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। थैंक यू।